आइए सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है रहमतुल लिल आलमीन। बच्चों अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो बच्चों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना अमल हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसकी हम मिसालें भी पढ़ेंगे, लेकिन अब हमने करना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उन मिसालों को पढ़कर हमने भी अपने अंदर वो रहमत, मोहब्बत, शफकत और मेहरबानी के जज्बात पैदा करने हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, अपनी उम्मत के लिए भी शफीक और मेहरबान थे, औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, काफिरों के लिए, और यहाँ तक के बच्चों के लिए भी, और इसके साथ साथ जानवरों के लिए भी मेहरबान थे।